जोधपुर करीब 2 माह पूर्व हुई एक युवक की मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की मां ने अपनी पुत्रवधु पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। इस संबंध में पुत्रवधु व उसके प्रेमी के खिलाफ नागौरी गेट पुलिस थाना में हत्या की रिपोर्ट दी गई थी। महिला का आरोप है कि उसके पुत्र को शिकंजी में जहर दिया गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि गत दिनों कागा कागड़ी स्थित करीब नवाज मस्जिद के पास रहने वाली मेमना बानो पत्नी अब्दुल सत्तार ने अदालत में इस्तगासा लगाकर एक रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसके 30 वर्षीय पुत्र रमजान का निकाह 10-12 साल पहले किया गया था। उसके 2 बच्चे भी है। उसके पुत्र रमजान को गत 31 मई को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसकी पुत्रवधु सोना बानो और अन्य परिजन श्रीराम अस्पताल लेकर गए और भर्ती करवाया, लेकिन रमजान की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर परिजनों ने शव को समाज के खेताना अड़ी स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके कुछ दिनों बाद मेमना बानो ने पुत्र रममान की मौत पर संदेह जताया और उसने पुत्रवधु व उसके प्रेमी मोहम्मद हाजी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। उसके अनुसार उन लोगों ने रमजान को नींबू पानी में लेटिन जहर दिया, जिस वजह से रमजान की मौत हुई। मामले को लेकर मंगलवार को अदालत से आदेश प्राप्त कर एसडीएम की उपस्थिति में कब्र में से मृतक रमजान का शव बाहर निकलवाया गया और उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेमुना बानो कागड़ी की रहने वाली है, जिसने न्यायालय के थ्रू इस्तगासा थाने में भिजवाया था कि मेरे पुत्र को उसकी पत्नी और उसके फ्रेंड ने जहर दे दिया है, उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया था। आज मौके पर एसडीएम सिटी पधारे थे और मेडिकल बोर्ड से शव को निकाल करके पोस्टमार्टम करवाया गया। अनुसंधान जारी है।